After the resignation of BJP-backed Shafi Sadi as the chairman of Karnataka Waqf Board, board member Anwar Pasha has been unanimously elected as the chairman. The newly elected chairman of the Karnataka Waqf Board, Anwar Pasha, expresses his dedication. Anwar Pasha acknowledges that despite his position, he remains an ordinary individual, committed to treating his work as a personal mission. Anwar Pasha makes it clear the board's primary focus is on education, closely followed by healthcare. As he emphasizes their importance, he assures that the resources will be directed towards these essential sectors and reaffirms his accessibility to anyone in need. मैं भी कॉमन मैनेज मैं क्या चेयरपर्सन हुआ अगर मैं क्या बड़ा आदमी नहीं है क्योंकि मैं हमें भी खेड़े से ग्राउंड इसके आए से आदमी आए इसलिए कब भी मिलता हूँ उनका मेरा खुद का काम कर सका मैं वक्फ का काम करता हूँ जिम्मेदारी तो बहुत है ना मैं भी लोगों को मिलता हूँ मैं मुतवली कैटेगरी से इलेक्ट हो को आया सो मेम्बर में वो हर मुतवली भी हर दिन भी मुझे कम को तो भी एक 25-30 मुतवली मुझे फ़ोन में कांटेक्ट कर लेते हैं उनके पूरे काम भी अटेंड करता हूँ 24 आवर्स उन्होंने रात को फ़ोन करे तो मैं फ़ोन उठाता हूँ उनका काम करता हूँ ऐसा क्या भी मेरे बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं माइनॉरिटी हमें एजुकेशन पर्पज़ हमें मिनिस्टर साहब भी बात करे हैं हमारे माइनॉरिटी लीडर्स भी बोले हैं एजुकेशन को फर्स्ट प्रेफरेंस देना सेकेंड प्रेफरेंस मेडिकल हॉस्पिटल्स को जो जो हमारे कर्नाटक में हमारे प्लान्ड है उसमें हर डिस्ट्रिक्ट में भी एक एक हॉस्पिटल एजुकेशन के एक एक पीयू कॉलेज इसमें हमारे वर्क बोर्ड में मेजर काम क्या रहता तो कमिटीज़ का रहता इसमें मेजर इश्यूज कमिटीज़ अब असेंबली 2023 के जो असेंबली इलेक्शन हुए कर्नाटक में जब से लगातार मीटिंग नहीं हुई है इधर इसलिए ज़रा कमिटीज़ का प्रॉब्लम है स्पेशली लेडी पीयू कॉलेज कर्नाटक तो हमें बोर्ड में डिसाइड भी करे हैं हमारा कर्नाटक में कांग्रेस हुकूमत है उसके साथ हमारे जमीर भाई हैं मिनिस्टर हैं वक्फ के उनका हमें साथ ले को वो एजुकेशन को ज़्यादा हमें पहला प्रेफरेंस देते हैं।